अब मंडे नाइट रॉ से तो सेथ रॉलिंस आ चुके हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के फाइनल में। मैकडॉन से कौन होने वाला है फाइनल्स में और कौन जीतेगा उस फाइनल को, यानी कि नाइट ऑफ चैंपियंस में कौन बनेगा पहला न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अब देखो दो मैचेस यहाँ पर मैकडॉन में ट्रिपल थ्रेड हमें देखने को मिलेंगे। पहले तो जहाँ पर पहले मैच में हमें ऑस्टिन थ्योरी, शीमस और बॉबी लैशले को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो मैच है ऑस्टिन थ्योरी के अंदर है, जिसमें डेफिनेटली ऑस्टिन थ्योरी फेवरेट होंगे। ट्रिपल थ्रेड मैचेस जीतने की टेक्निक भाई उस बंदे को पता है, तो फेवरेट वो डेफिनेटली रहेंगे। बॉबी लैशले के भी अच्छे खासे चांसेस हैं, शीमस के उतने स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है। तीनों में से आई थिंक सबसे कम चांस उन्हीं की होगी, बट मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ, आई थिंक यहाँ पर WWE जाने वाली है बॉबी लैशले के साथ। जा सकती है थ्योरी के साथ भी, लाइक आई सेड उनके भी बराबर चांसेस है, बट मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पर बॉबी लैशले को, ताकि जो फाइनल्स हो उसमें अच्छा मैच हमें देखने को मिले और बड़ा मैच देखने को मिले। दूसरा जो ट्रिपल थ्रेड मैच होने वाला है ये तो बहुत तगड़ा होने वाला है, जहाँ पर रे मिस्टीरियो, एजे स्टाइल्स और एज होने वाले हैं। शॉर्ट शॉर्ट रे मिस्टीरियो को कोई चांस नहीं है, एजे स्टाइल्स और एज के बीच में यहाँ पर कॉम्पिटिशन की कौन होगा इन दोनों में से विनर। एज के बहुत हेल्दी चांसेस है बिकॉज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की बात हो रही है, जो कि उन्होंने चैंपियनशिप रिलिंक्विश करी थी जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, तो यहाँ पर रिकैप्चर करने का बहुत मौका। और अगर वो फाइनल्स में जाते हैं तो भाई वो भी बहुत तगड़े फेवरेट होंगे सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, जितने एजे स्टाइल फेवरेट नहीं होंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में अगर वो जाते हैं फाइनल्स में। बट दूसरी बात ये भी है कि एक बात ये भी आ रही है कि एजे स्टाइल रोमन रेंस के साथ फ्यूड में आने वाले हैं, तो अगर रोमन रेंस के साथ वो फ्यूड में आने वाले हैं तो फिर ये वाली फ्यूड में वो नहीं होंगे। तो उस लॉजिक से अगर आप देखोगे तो फिर एजे स्टाइल्स के कम चांसेस हैं और एज के ज्यादा चांसेस हैं। तो अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या रोमन रेंस के साथ उनकी फ्यूड अभी नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए स्टार्ट होगी या उसके बाद होगी। तो उस केस में आई थिंक यहाँ पर एज जीतेंगे और एज जो है वो फिर फाइनल्स में चले जाएंगे। एज वर्सेस बॉबी लैशले के बीच में होगा फाइनल, ये मेरी प्रिडिक्शन है, और उस फाइनल्स में जो है वो एज जीतेंगे। एज जाएंगे स्ट्रेट अवे नाइट ऑफ चैंपियंस में, जहाँ पर हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस एज के बीच में देखने को मिलेगा नाइट ऑफ चैंपियंस में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच। और इस मैच में मैं बोल रहा हूँ तुमको चांसेस आप लोग बोलेंगे कि सेथ रॉलिंस के ज्यादा है, बट भाई एज भी जीत सकते हैं, बट स्टिल आई विल गो विद सेथ रॉलिंस। मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस वो मैच जीतकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कैप्चर करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन सेथ रॉलिंस होंगे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। आपके हिसाब से स्मैकडाउन से कौन सा बंदा जाएगा फाइनल्स में और फिर कौन जीतेगा उस फाइनल को, कौन बनेगा न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो थोड़ी ही पसंद आई होगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।